हेलो, राम राम जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मेरा गला है ख़राब तो इग्नोर करिएगा। और आज है जन्माष्टमी। किसी ने 18 तारीख की करी थी, किसी ने 19 तारीख की, तो मैं 19 तारीख का कर रही हूँ, जो फास्ट होता है जन्माष्टमी का। तो हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी बर्थडे कहना जी। आप लोग बताना आप में से किस किस ने 18 का किया, किसने 19 का किया। और मैं हो गई हूँ थोड़ा सा तैयार, फेस पे नहीं लगाया है मैंने कुछ भी, क्योंकि ना पसीने बहुत आते हैं मेरे को। मैं सोच रही थी तैयार हो जाऊँ अच्छे से, बट पसीने आके ना फिर साथ साथ निकल जाता है। तो मैंने मांग में सिंदूर लगाया है और यहीं पे लिपस्टिक से ही, मतलब शैडो नहीं लगाई है, वो पाउडर वाला जो होता है नहीं यूज़ किया मैंने, तो उसी से हल्की हल्की करी है आईज़ पे। ना लाइनर लगाया, ना काजल लगाया, बस लिपस्टिक। और ये मतलब मेरा बेटा ना बिंदी उतार देता है, तो बोलते हैं शुभ नहीं होता, अच्छा नहीं माना जाता, बच्चे बिंदी उतारते हैं। तो मैंने वो कुमकुम से ही लगाया हुआ है ये। और बस बाल बना के इयर रिंग बढ़िया से पहन के होगी रेडी, और अभी पहनूंगी हाथों में चूड़ियाँ, क्योंकि एक हाथ का कड़ा जो है हो गया, एक हाथ में ही है, इसको चेंज करना है। तो मैं सोच रही थी चूड़ियाँ पहन लूँ, फिर टाइम हो गया है शाम का, अभी डुडू सो रहा है वैसे, तो उठ जाए, इसको कान्हा की ड्रेस पहनाऊँगी, समर्थ को पहनाऊँगी। और शाम के टाइम में जाएंगे मंदिर में, हमारे यहाँ पे राधे कृष्णा का मंदिर है, वहाँ पे भजन कीर्तन सब होते हैं, तो आप लोगों को भी साथ लेके चलूँगी। तो चलो मैं चूड़ियाँ पहन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखो मैंने चूड़ियाँ पहन ली है 12-12। मेरे को लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं कड़ा सोच रही थी 6 के बीच में लगा दूँ, देखती हूँ, या तो ऐसे भी अच्छा लग रहा है, और मेरे को वो आगे पीछे ना हो, थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया, अच्छा लगता है, लेकिन सोच रही थी कुछ अलग से करूँ, या तो इसको बीच में 6 के बाद डाल दूँगी, और ये फिर ऐसे भी अच्छा लग रहा है ना। और कड़े का कलर कितना प्यारा है। तो हाथों में पहन ली है चूड़ियाँ, और पूरा लुक खड़ी होके चलेंगे ना मंदिर, फिर दिखाऊंगी आप लोगों को, बच्चों को भी रेडी करूंगी अभी। हमारे कान्हा रेडी है, अभी ना रात को इसका मुकुट दूसरा लेके आऊंगी, क्योंकि ये गिर रहा है ना डूडू, जो कहा डूडू। हाँ समझ, हाँ। देखो मम्मा पीछे से आ रहा है। फूल भी लेके आएंगे मंदिर से, अभी तो टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह सब रख दी, रेडी हो गया हमारे कान्हा, क्या पता रात को दूसरी ड्रेस भी चेंज कर ले, कर नहीं है हमारे। ये भगवान जी, ये मम्मी ने कान्हा जी का माखन निकाल के रखा था, तो हमारे कान्हा जी खा रहे हैं। ये लो कान्हा जी, अभी मिठाई वगैरह आनी रह रखी है, तो कान्हा का फेवरेट तो माखन ही है। फूल वगैरह, फूल भी लेके आऊंगी अभी, काफी रहता है। हाँ बट हमारे कान्हा रेडी हो गए हैं, जय करेगा जय, आ जाओ। ये हमारे यहाँ का ना राधे कृष्ण मंदिर है। मेरा गला थोड़ा बैठ रखा है, तो आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही है, तो इतना प्यारा सजाया हुआ था ना, हाँ मतलब जन्माष्टमी होती है ना, कान्हा जी का बर्थडे होता है उस टाइम पे, इतना ही प्यारा सजता है। हर बार की डेकोरेशन अलग होती है, अब की बार ऑरेंज और येलो बैलून्स थे, हर बार कुछ ना कुछ अलग होता है, अलग अलग तरीके से सजाते हैं। ये देखो कान्हा, कितने सारे कान्हा मिलेंगे आज मंदिर में, है ना कान्हा, सारे क्यूट क्यूट कान्हा। हाँ यो ना रुकता।